कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में टीएमसी एक तरीके से क्लीन स्वीप सी करती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, बंगाल में अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं कोलकाता नगर निगम के, यहाँ पर तो बीजेपी कहीं दिख ही नहीं रही है, बस इक्का दुक्का सीटों पर ही बढ़त बना रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र जो है रोड सैया पर पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें ले रहा है और पूरा प्रदेश जो है गुंडागर्दी की चपेट में है और ममता दीदी जो है वो उनका लोकतंत्र में किंचित भी विश्वास नहीं है। वो जोर जबरदस्ती से प्रशासनिक ताकत के आधार पर, गुंडे बदमाशों के ताकत के आधार पर और ये इस चुनाव को लड़ी है और वही उसी हिसाब से परिणाम। लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये ममता बनर्जी के प्रति जो जनता का जो है विश्वास है, स्नेह है, ये उसका नतीजा है और बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट सब एक तरफ जो है धराशायी हो रहे हैं और ममता दीदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ममता दीदी ये गलत बोल रहे हैं। ममता दीदी ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है वहाँ पर और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल गुंडागर्दी के आधार पर, आतंक के आधार पर, बंदूक और बमों के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा गया है और उन्हें सोचना चाहिए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान पूरी तरीके से कहीं रहेगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव का ये कहना है कि गुंडागर्दी और बंदूक के आधार पर चुनाव लड़ा गया है और ऐसे में इन नतीजों के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अंकित गुप्ता, आईबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।